हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देख रहे हैं मेकाओ की स्टडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक जितने भी छात्र हैं, आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट को लेकर के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आज के डेट में क्या अपडेट निकाला गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक में 95,000 छात्रों का परिणाम रुका। यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं सामने, आइए वन बाई वन हम डिस्कस कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षकों के न आने से विषम सेमेस्टर के 95,000 पॉलिटेक्निक अभ्यर्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षाएँ नहीं हो सकी हैं, जिससे अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जो है लटक गया है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं कब होंगी, इसको लेकर असहज स्थिति बनी हुई है। बीते 2 माह से बचे हुए अभ्यर्थी प्रयोगात्मक परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश भर में 1417 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से 5 से लेकर के 10 अप्रैल के बीच सभी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पहले, तीसरे व पाँचवें सेमेस्टर के 1,91,702 अभ्यर्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराने की तिथि निर्धारित हुई थी। यानी कि 5 से लेकर के 10 अप्रैल के बीच जो है इतने छात्रों की जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराने की निर्धारित तिथि हुई थी। आगे बताया जा रहा है, कई संस्थानों में निर्धारित तिथियों के बाद 16 अप्रैल तक परीक्षा हुई। इन अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने के लिए परिषद की ओर से 2,966 परीक्षक जो है नियुक्त किए गए थे, लेकिन इनमें से करीब 50% जो हमारे परीक्षक हैं वो परीक्षा लेने नहीं पहुंच सके थे, जिनका खामियाजा अभ्यर्थियों के यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। परीक्षकों के संस्थान न आने से करीब 95,000 अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हो सकी थी, जिससे परिणाम में देर हो रही है। यानी कि उस समय कोरोना का यहाँ पे समय चल रहा था, जिससे जो हमारे परीक्षक हैं वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं ले पाए थे। इसी वजह से जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं ऐड नहीं हो पाई और उनके नंबर की फीडिंग नहीं हो पाई थी, जिससे जो है यहाँ पे रिजल्ट निकालने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बता जा रहा, पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 5 अप्रैल शुरू हुई थी। उसी समय अचानक कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने लगा था और बताया जा रहा है कि लोगों में ये डर बसने लगा था कि इसके दौरान जो है परीक्षकों के स्वास्थ्य काफी ज्यादा यहाँ पे खराब होने की जानकारी आई थी, जिससे चलते यहाँ पे परीक्षकों की बड़ी संख्या जो है वो परीक्षा लेने नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ पे जितने भी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उन सभी के लिए यहाँ पे यही अपडेट बताया गया है कि जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने थे, वो जो परीक्षक जो है नियुक्त किए गए थे वे काफी ज्यादा यहाँ पे एब्सेंट रहे आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेने के दौरान। इसी वजह से जो है आप लोगों का परीक्षा परिणाम यहाँ पे रुका हुआ है। और कंप्यूटर पॉलिटेक्निक में यूपी में जो है 95,000 यहाँ पे छात्र हैं जिनका परिणाम जो है रोक दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोगों का परीक्षा परिणाम यहाँ पे जारी किया जाने वाला है। आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है 18 तारीख तक आप लोगों का परीक्षा परिणाम जो है आ जाए, 18 से 20 तक। इससे ज्यादा लेट आप लोगों का एग्जामिनेशन का परीक्षा परिणाम जो है नहीं रुकने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।